हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं बात करने वाला हूँ कि अपने प्रिपरेशन के लिए आपको ज्ञानस्थली क्यों चुनना चाहिए। कुछ रीजंस दूंगा और आपसे बात करूंगा बिल्कुल ही अनबायस्ड तरीके से। बिल्कुल आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप एडमिशन लो या जो भी। इस वीडियो में बस ये मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों ज्ञानस्थली आपके लिए सबसे सही हो सकता है अगर आप अचीव करना चाहते हो अपने UGC नेट JRF ड्रीम को। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ज्ञानस्थली में हम पेपर वन का पूरा प्रिपरेशन कराते हैं, और पेपर वन जो है वो जनरल पेपर होता है, आपको भी मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि पेपर वन प्लस पेपर टू दो पेपर होते हैं UGC नेट में, और पेपर वन जनरल पेपर होता है जो सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए आता है, और पेपर टू आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है। तो जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है इसमें जो शिक्षा शास्त्र होता है ना, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है इसको मैम लेती हैं यानी अलका मैम, और पेपर वन हैंडल करता हूं मैं। अभी जो हमारा पिछला सेशन रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और हमारे लर्नर्स को अभी तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप कमेंट्स वगैरह में भी कभी पढ़ना तो आपको पता चलेगा, कुछ लर्नर्स हमारे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कि कैसा बैच आपका चलता है, कैसे हम आपको सपोर्ट करते हैं। 24/7 पर्सनल मोबाइल नंबर से आपके लिए हम अवेलेबल होते हैं। बाकी किसी कोचिंग संस्थान में ये सुविधा नहीं होगा कि आप अपने एजुकेटर से पर्सनली जो है वो बात कर पाएँ, पर्सनल मेंटरिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको ज्ञानस्थली ही चुनना चाहिए अगर आपका टारगेट है पेपर वन या फिर पेपर टू एजुकेशन। तो व्हाई शुड यू ट्रस्ट अस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये मेरे बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। देखिए, पेपर वन का एजुकेटर हूँ मैं UGC नेट JRF के लिए आपके ज्ञानस्थली क्लासेस पे। मैंने जो दिसंबर 2022 वाली जो एग्जामिनेशन हुआ था ना UGC नेट का, उसमें वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और उसमें मैंने AIR 96 मैं लाया था, 99.7 परसेंटाइल मेरा था उसमें। मैंने CTET और UPTET मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्वालिफाई किया है। KVS का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। BEd में मैं सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रहा हूँ मैं BBA में। और जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2023 वाला, इसमें मेरे 194 मार्क्स था। चूँकि ये पेपर तो मैंने सिर्फ उस पेपर के क्वेश्चंस का अंदाज़ा लेने के लिए दिया था, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करना होता है अपने लर्नर्स के साथ। 3 साल का ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन 3 साल आप मानो, 3 साढ़े 3 साल का। और अभी 1.5 साल से ऊपर का जो है JRF मेंटरिंग और गाइडेंस का एक्सपीरियंस है। मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप नेट से JRF की जर्नी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको हमारे ऊपर ही क्यों विश्वास करना चाहिए, आपको ज्ञानस्थली क्लासेस ही क्यों चुनना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके बाद इस बैच के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंटर्स मैं यहाँ पर आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, है ना। जो भी हमारे यहाँ से बच्चे पढ़े हुए हैं पहले, या फिर अभी जो रिसेंट बैच जो अभी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम जून वाला, और वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे आप जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, GYANSTHALI ज्ञानस्थली क्लासेज ऐसे सर्च करेंगे तो लगभग 9.2K के आसपास 2200 यहाँ पर फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम पर। तो हमारा जो रिकॉर्ड है ना वो प्रूवन है। हम आपको पूरी पेपर की प्रिपरेशन कराते हैं अच्छे से, जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक आपके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी है तो आपका साथ वहाँ छोड़ दिया जाएगा। और मल्टीपल सिलेक्शंस, चूँकि बहुत ज़्यादा मैम जो है वो विश्वास नहीं करती हैं प्रचार करने में, अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने में, बहुत सिंपल रखती हैं वो चीज़ों को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एड्स और ये सारी चीज़ें हम नहीं चलाते हैं। जो भी है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। जितने भी आप यहाँ पर सब्सक्राइबर देखते हो, जितने भी फॉलोअर्स देखते हो, जितने भी व्यूज़ आते हैं हमारे, वो टोटली ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी तरीके का ऐड नहीं चलाया, किसी भी तरीके का इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। तो हमारे पास्ट रिजल्ट और जो सक्सेस स्टोरीज है स्टूडेंट्स के, वो दिखाते हैं कि UGC नेट के एग्जामिनेशन में अगर आप ट्रस्ट करना चाहते हो तो किसे ट्रस्ट करना है। पेपर वन के लिए आप मेरे क्लासेस हैं वो देख सकते हो, अवेलेबल हैं यहाँ YouTube पे भी, कुछ क्लासेस फ्री में अवेलेबल हैं। फिर अभी जो मैं रिसेंट कुछ क्लासेस ले रहा हूँ उसमें आप देख सकते हो कि आपको जम रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फैकल्टी है वो खुद एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आके पढ़ा रहा है। देखिए, मेरे पास भी 3 से 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ मैंने खुद नेट और JRF जो है वो क्वालिफाई किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। JRF अभी मेरे पास है। मैम के पास जो है बहुत एक्सपीरियंस है। मैम जो है इस फील्ड में लगभग 10 साल से काम कर रही हैं एजुकेशन के फील्ड में, और
ये मैम के पास इसके अलावा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैम एनजीओ भी रन करती हैं, बहुत सारे सोशल वर्क भी मैम करती हैं, तो इस वजह से जो ग्रास रूट लेवल की चीज़ें हैं वो मैम को पता चलती हैं, और बहुत सारे ऐसे न्यूज़, बहुत सारे ऐसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मैम के पास आती हैं जो और किसी के पास नहीं आता है। वो पहले अगर आपको पता चले तो आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि देखिए, जो हमारा स्टडी मटेरियल है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम देते हैं, अपना जो भी आपको पढ़ने के लिए मटेरियल दिया जाएगा तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल का मतलब क्या है, देखिए जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हम जो है वो रेगुलर आपके टेस्ट लेते रहते हैं ऐप पे। हमारा एक ऐप है ज्ञानस्थली क्लासेस नाम से, उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं वो वहाँ पर हमारे बैचेज में। और प्राइसिंग के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा सबसे आखिरी में, क्योंकि हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस ये नहीं होता है कि आपको बढ़ा चढ़ा के बताएं। जिस प्राइस में हम आपको ये बैचेज अवेलेबल करा रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि पूरे इंडिया में कोई उस रेट पे उस क्वालिटी कंटेंट को नहीं देता है। फिर लर्निंग प्लान में भी हम कस्टमाइज लर्निंग प्लान लेके आते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक ज़रूरत होता है, तो वो मुझसे वन टू वन बात कर लेते हैं कि सर मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसके हिसाब से फिर उनके लिए वो चीज़ अवेलेबल करा देता हूँ। या फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो उनको, जैसे अभी रिसेंट में बहुत सारे हमारे लर्नर्स थे तो जिन्होंने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में मुझसे बोला था, तो उसके लिए वीडियो अलग से ले आ देना। तो ये हमारा जो है एक स्ट्रेंथ होता है कि हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं बच्चों का, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैसे अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकता है और क्या क्या उनको थ्रेट है, और उसके हिसाब से हम अडैप्टिव लर्निंग करवाते हैं। फिर देखिए पांचवा पॉइंट, इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे ही आप एनरोल करोगे, आप एक डिस्कशन ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आप लाइव अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो, उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस अपने यहाँ पर पूछते हैं और उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बैच खरीदने के बाद बिल्कुल आप अलग हो गए, अलग थलग आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एजुकेशन जो है वो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है, ना कि बिजनेस करना। पैसे मैम उतना ही लेती हैं जितने से ये सारा सिस्टम रन करना जो है वो पॉसिबल हो पाए। तो हमें जो है मेनली इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग मिनिमम जो है प्राइस रख पाते हैं, है ना। और आपका जो है यहाँ पर रियल टाइम डाउट क्लैरिफिकेशन, मैम लाइव आके आपके डाउट्स भी क्लियर करती रहती हैं। रेगुलर असेसमेंट होता रहता है आपका, रेगुलर असेसमेंट होता है, मॉक टेस्ट लगातार लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है रिटर्न मटेरियल आपको अवेलेबल होता है, और पेपर्स हम अवेलेबल कराते हैं, PYQs अवेलेबल कराते हैं, जो ऐसे MCQ हैं जो आ सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप लाइव भी देख सकते हैं और रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ईबुक्स भी आपको दिया जाता है, है ना, और रेफरेंस मटेरियल भी बताया जाता है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगता है वहाँ पर आपका सोल्यूशन किया जाता है। फिर हमारा जो तरीका है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, लर्निंग कराने का बहुत फ्लेक्सिबल तरीका है, तो जैसे बच्चों को पसंद है वैसे हम फीडबैक लेके और उनको पढ़ाते रहते हैं। उनको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स पसंद है तो रिकॉर्डेड, अगर वो चाहते हैं कि बीच बीच में लाइव हो तो लाइव भी होता है। मैम का तो मैक्सिमम लाइव सेशन ही जाता है। फिर स्टूडेंट का जो फीडबैक है वो भी आप देख सकते हैं, फीडबैक जो है आप समझ सकते हैं, जाके कहीं से भी जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं ज्ञानस्थली के साथ जो जुड़े हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जिसमें बच्चे खुद बताएंगे कि भाई कैसा पढ़ाई कराते हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन कराते हैं और कैसे उनको नेट और GRF हम अचीव करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए हम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में ये सारी चीज़ें कराते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। अब मैं बात करता हूँ वही एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज़ ही मान लो, तो देखिए Paper 1 जो है आपका, Paper 1 इसका प्राइस जो है वो कहीं भी इतना कम नहीं मिलेगा, 999, है ना, किसी भी कोड को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधा 999 रुपये Paper 1 के लिए है, अगर सिर्फ आप Paper 1 लेना चाहते हो। और ये देखो Paper 2 अगर आपका एजुकेशन है तो ये बैच जो है 3499 में विदाउट एनी कोड आपको मिल जाएगा, ओनली ₹3499। हर जगह प्राइजेस बढ़ा दिया गया है, हर कोचिंग में प्राइजेस जो है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन ज्ञानस्थली में ही हम सेम प्राइस पे आपको लेके आ रहे हैं, बल्कि उससे कम ही हो गया है ये। और इसके साथ एक फ़ायदा आपको मिलता है कि जैसे ही आप Paper 2 में एडमिशन लेते हो ना, तो जो Paper 1 आपका है, Paper 1 जो ये 999 वाला बैच है, ये टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, है ना। तो ये Paper 1 फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, तो यानी कि 3499 में आपको Paper 1 प्लस Paper 2 दोनों बैच मिलता है। और अगर अकेले से आप Paper 1 में एनरोल करना चाहते हो तो आप 999 पे करके ये Paper 1 एनरोल कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ December 2024 वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो नेट GRF का एग्जामिनेशन होने वाला है December 2024 में, उसके लिए बात कर रहा हूँ। और अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल भी होता है तो जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी है, तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हैं, तब तक आपके साथ सपोर्ट अवेलेबल होता है, जैसा अभी हम करंट लर्नर्स के साथ अपने कर रहे हैं। तो ये है हमारा USP, ये है ज्ञानस्थली का USP,
क्यों आपको एडमिशन लेना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पर्सनल टच है वो यहाँ पर है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं फील करेंगे कि आप जो है वो एक रोबोट से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग्स में आप जाके देख लेना कि कितने एजुकेटर ऐसे हैं जो आपको अपना पर्सनल नंबर्स देते हैं, आपसे पर्सनल बातें करते हैं कि कैसे आपको अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। इतना डिटेल में किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन हम अपने लर्नर्स के लिए बिल्कुल हम यहाँ पर एक्टिव रहते हैं और जितना हो सके उतना आप सपोर्ट करते हैं, और आप जो भी प्रीवियस लर्नर हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो यही था, ये पूरा वीडियो का एक ही मोटिव है कि देखिए, अगर आप चुनाव कर रहे हैं, एक कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इतने कम रेट पे इतनी सारी सुविधाएं और इतने पर्सनल टच के साथ ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराना किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए मैं जानता हूँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग मोटा रकम पे कर रहे हैं ऐड करने के लिए, मोटा रकम पे कर रहे हैं बहुत बड़ी टीम रखने के लिए। हम छोटी टीम है लेकिन काम हम बहुत बड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वर्क को और उसके हिसाब से आपको अगर एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है तो हमारे एकलव्य बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दिसंबर 2024 के लिए हमारा एकलव्य बैच है, इंटरैक्टिव बाइलिंगुअल क्लासेस होने वाली हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये 29 जून से ये ऑफर चल रहा है। और याद रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 3499 वाला है ये 4999 हो जाएगा, यानी 5000 रुपये हो जाएगा, 1500 रुपये बढ़ जाएगा, और ये 999 वाला जो है डबल होकर 1999 हो जाएगा ये 10 जुलाई के बाद। तो आपके कम फीस में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, यूनिट वाइड आपके क्लासेस चलें, अपडेटेड कंटेंट हो, लाइव PYQs डिस्कशन हो, और बहुत सारे ऐसे PDF के क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, बहुत सारे आपको बुक्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं यहाँ पर, बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपका सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट किया जाता है, और यही ज्ञानस्थली का USP है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करिए, ज्ञानस्थली क्लासेस के नाम से लगभग 9200 वहाँ पर फॉलोअर्स हैं, उनको जरूर फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन आप अपना अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।